अरे भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। ये शब्द हैं उत्तराखंड के गोविंद सिंह के, जिन्हें सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं और तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में खुद को जीवित साबित कर सकें। क्या है ये पूरा मांजरा, आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मामला है उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का। यहाँ रहने वाले गोविंद सिंह बीते 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहे हैं। लंबे समय से ये तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स में सुधार हो सके। जिंदा पर मृत घोषित होने का ये सिलसिला शुरू हुआ दिल्ली से। लंबे समय से गोविंद सिंह राजधानी में सरकारी नौकरी कर रहे थे। साल आया 2015, वो सर्विस से रिटायर हुए और कुछ समय तक दिल्ली में ही परिवार के साथ रहे। कुछ सालों बाद इस कहानी के तार फिर जुड़े उनके पैतृक गांव से। श्रीनगर गढ़वाल के पास गोविंद सिंह का गांव है, यहां गोविंद अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। इस बीच एक दिन उनकी नजर जमीन के दस्तावेजों पर पड़ी तो उनके पैरों तली जमीन खिसक गई। दरअसल उन डॉक्यूमेंट्स में गोविंद सिंह के नाम के आगे मृत लिखा हुआ था, जबकि उनकी पत्नी और बच्चों के नाम खतौनी में दर्ज है। इसी के बाद से वो तहसील के चक्कर काटने लगे। ये सिलसिला 7-8 महीनों से चला आ रहा है। हालांकि आज भी गोविंद के हाथ खाली हैं। अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स में 7 मई 2016 से उनको मृत दिखाया गया है। अब साल 2024 तक भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता बढ़ी और किस्सा तूल पकड़ने लगा तो श्रीनगर के तहसीलदार धीरज राणा का बयान सामने आया। संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही की जा रही है। हालांकि अभी भी इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर ये सब कैसे हुआ।